care of Don't. Don't touch up your operation. My immune system बहुत weak है, infection का डर है. Thank God. Thank you, Abhimanyu. वैसे कब तक होश में आ जाएंगे ये? जल्दी. वैसे डरने वाली कोई बात नहीं. बड़े पापा, अगर आज आपको कुछ हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती. सॉरी, और रोक नहीं सकते. डोंट वरी, जो नहीं हुआ है उसे सोच के परेशान मत हो, थोड़ी देर में होश आ जाएगा. वेल डन बेटा. थैंक यू ताऊजी. आज सब कुछ अभी की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से बड़े पापा ठीक हुए हैं. अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता. बिल्कुल सही कहा तुमने. जहां डॉक्टर अभिमन्यु हो, वहां देयर इज नो नीड टू वरी. ही इज बिरलास वेरी बेस्ट. अगर मेरे बाद बिरला हॉस्पिटल को कोई संभाल सकता है तो वो ये है. इसमें कोई शक नहीं है और किसी के बस की बात भी नहीं है. आप लोग भी बहुत थक गए होंगे. हाँ, जाइए थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए. सबने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है, सबकी हालत खराब है. जाओ कॉफी शॉप में जाओ, कॉफी वगैरह पियो. तुम भी रिलैक्स हो जाओ. तुम्हारे तो गर्दन भी अखड़ गई होगी. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड. इतना स्ट्रेस, इतनी इमोशंस, इतनी लंबी सर्जरी थी. टेक सम रेस्ट. हाँ, मैं वंश भाई को बोलता हूँ कि सबको बुला लें. बड़े पापा को होश आएगा तो मिल लेंगे सब. अभिमन्यु, कुछ बात करनी है तुमसे, इंपॉर्टेंट है. प्लीज कान्हा जी, जो हो सही हो, कुछ ऐसा ना हो जिससे फिर कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए. जो बोलना जल्दी बोलिए सर. जो मैं कहने जा रहा हूं वो जरा शांति से सुनना, ठंडे दिमाग से. ये तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं है पैर हिलाने की. बचपन से कहते आ रहा हूं कि पैर मत हिलाया करो, बाप पे कर्जा चढ़ता है. अब ठीक है, अब कहिए क्या सुनना है, शांति से ठंडे दिमाग से. देखो अभिमन्यु, तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, मगर क्या सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर होना काफी है? या जो तुमने मनीष जी की जान बचाई, क्या तुम ये अपने मेडिकल कैंप में अचीव कर पाते? बगैर इन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के, एक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर के, सिर्फ अच्छाई से तुम एक क्रिटिकल पेशेंट की जान नहीं बचा सकते. उसके लिए तुम्हें चाहिए अच्छे सपोर्ट सिस्टम्स, मेडिकल इक्विपमेंट, फैसिलिटीज जो तुम्हारे उस सड़क वाले मेडिकल कैंप में नहीं मिलते. That's the truth. देखो, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं और जो लोग इमोशनल होते हैं उन्हें अक्सर प्रैक्टिकल लोग पसंद नहीं आते हैं, एंड आई एम फाइन विद दैट. मगर हमारा जो ये प्रोफेशन है ना, मेडिकल प्रोफेशन, ये इमोशंस पे नहीं चलता है. इसमें प्रैक्टिकलिटी ही काम आती है. अगर एक पेशेंट क्रिटिकल है तो उसे बचाने के लिए वी नीड द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट स्टाफ, बेस्ट डॉक्टर्स. और इसीलिए मैं अपने इस बेस्ट हॉस्पिटल के लिए
तुम्हारे जैसा बेस्ट डॉक्टर चाहता हूं। अभिमन्यु, बिरला हॉस्पिटल नीड्स यू। यहां पर हर पेशेंट जो आता है उसे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मनीष जी जैसे क्रिटिकल पेशेंट्स तुम्हारे मेडिकल कैंप में नहीं आते, या बिरला हॉस्पिटल में आते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज प्लीज जॉइन अस बैक। वापस आ जाओ। देखो, ये मेरे लिए एक फेयर डील है और तुम्हारे लिए फेयर चॉइस, इसलिए मैंने एक लिबर्टी ली है। तुम्हारे रीजॉइनिंग पेपर्स मैंने पहले से तैयार कर लिए हैं, बाकी सारे अरेंजमेंट भी कर लिए हैं और मैनेजमेंट को इत्तला कर दिया है कि तुम वापस आ रहे हो। प्लीज साइन दिस। मुझे बस इतना पता है कि मेरा बेटा एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी होते हैं उसके मरीज। मैं वापस ज्वाइन कर लूंगा सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको एक और ज्वाइनिंग लेटर बनाना चाहिए? अक्षर राइट जी, इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने यहां इस हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट्स की जान बचाई। हमारे इस बिरला हॉस्पिटल को अक्षु जैसे टैलेंटेड म्यूजिक थेरेपिस्ट की जरूरत है। वो यहां रहना डिजर्व करती है और उसे आपने पर्सनल रीजंस की वजह से निकाला था, जो कि गलत है। अगर मुझे वापस आ जाना चाहिए तो अक्षु को भी वापस आ जाना चाहिए, वो यहां रहना डिजर्व करती है। सर, ये मेरी धमकी, रिक्वेस्ट या कंडीशन नहीं है, सजेशन है। इस हॉस्पिटल की भलाई के लिए। ओके, बाय। आरू कहाँ गई? वो मेडिसिन एंड ऑल देखने के लिए गई है। वंश भैया भी आते होंगे दादी और मम्मी को लेके। भैया, मुझे ना अब भी सोच सोच कर बहुत डर लगता है कि अगर मेरे वजह से बड़े पापा को कुछ हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। और मैंने भी तो दुख पहुंचाया उन्हें, बट थैंक गॉड अभी मनी टाइम से आ गया और सब ठीक कर दिया उसने। कायरव, मनीष जी कैसे, उन्हें होश आया कि नहीं? प्लीज मुझे एक बार उनके पास ले चलो ना, प्लीज मुझे उन्हें देखना है। उनके होश आते वो लोग बुला लेंगे हमें, फिर मिलेंगे क्या करके। पर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नो, इट्स आउट ऑफ डेंजर नाउ। भगवान करे उन्हें जल्दी से होश आ जाए, बस एक बार देख लो चैन मिल जाएगा। अरे कितना रोया है तू, चश्मे के ग्लास भी अभी गीले। आपकी आंखें भी रो रो के लाल है। अक्षु, चल रोना बंद कर दे। देख, जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे अभिमन्यु ने तेरे बड़े पापा की जान बचाई है। चल रोना बंद कर दे, सब ठीक होने वाला है और ऑपरेशन भी तो सक्सेसफुल हुआ है ना। काश कभी मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे प्यार किया होता। देखा, मिलने भी नहीं आई। रहने दीजिए ना माँ जी, वो कंफर्टेबल नहीं होगी और वैसे भी उसके लिए सिचुएशन बहुत अजीब है। तुम ठीक हो? तुम मुझे और बड़ी मामा को देख रही थी ना? मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ से कभी सपोर्ट नहीं मिला, पर तुम्हें पता
माँ की नाराजगी में भी ना प्यार छिपा होता है, बस तुम्हें उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। माँ का गुस्सा ना बिल्कुल उबलते हुए दूध की तरह होता है, जितनी जल्दी उबलता है ना उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। देखना तुम्हारी मम्मा का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा और तुम्हें माफ भी कर देंगी। नो वे अक्षरा, मैं अपनी मॉम को जानती हूँ, वो बाकी माँ जैसी नहीं है, मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। करेंगी, बिल्कुल करेंगी। दुनिया की सारी माँ ना एक जैसी होती है, ऊपर से गुस्सा करेंगी डांटेंगी लेकिन दिल से ना बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। और तुम्हारी मम्मा भी सेम है, तुम दिल से मना के तो देखो फिर देखना प्यार से उनका दिल कैसे पिघलता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।